देखिए अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आज ही पकड़े गए हैं, बहुत सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, एप्रोप्रिएट स्टेज आने पे आपसे शेयर की जाएंगी, बाकी अभी तक फिलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। आपने कहा कि आईएसआईएस इंस्पायर्ड थे, तो ऐसा कोई है जिसका नाम इन्होंने बताया हो कि देखिए इसमें आईएसआईएस में थे ये अब्दुल समद जो है पहले भी, सॉरी ये ख्वाजा मोइनुद्दीन पहले भी जिन केसेस में अरेस्ट हो चुका है वो आईएस रिलेटेड केसेस थे, और इसकी जो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है ये पहले भी अरेस्ट हो चुका है, और आईएस मॉड्यूल में ये तमिलनाडु का आप कह सकते हैं कि साउथ का एक आईएस मॉड्यूल था जिसका ये मेंबर था। कितने राउंड फायर हुए सर जो आप इसमें? करीबन 8-10 राउंड, हम टोटल 14 ना, एग्जैक्ट टोटल कितने बजे घटना सर मौत? ये सुबह अर्ली मॉर्निंग आज की है 7 बजे की। ये सर दिल्ली से कल जो अटैक करने की बात आप कर रहे हैं कि इनका प्लानिंग था कोई टेरर अटैक करने का, उसके बारे में या 26 जनवरी? देखिए मैं आपसे फिर मैंने आपसे कहा कि इनको इंस्ट्रक्शंस मिलने थे, और नंबर वन, नंबर टू ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, आज ही हमने इनको पकड़ा है और बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। इस स्टेज पर हम आपसे सिर्फ इतना ही शेयर कर सकते हैं कि ये प्लान बना रहे थे एक टेरर स्ट्राइक का, कहाँ करनी थी, क्या करनी थी, वो अभी तक जो इन्होंने कहा है कि इनको इंस्ट्रक्शन मिलना था, बाकी फिर भी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एप्रोप्रिएट स्टेज आने पे आपसे शेयर करेंगे। दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली से बाहर जाने की फिराक में थे अभी? देखिए बहुत सारी चीजें मैं आपसे इस वक्त शेयर नहीं कर पाऊंगा, ये इस वक्त जो शेयर करने लायक चीजें थी मैंने आपसे शेयर कर दी। आज की घटनाक्रम थोड़ा बता दीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है वो 52 साल का है, सैयद नवाज जो है वो 32 साल का है, और अब्दुल समद 28 साल का है। इनमें अब्दुल समद टेक्निकली बहुत साउंड है, एमसीए कर चुका है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुआ इसका, लेकिन मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में इसने एनरोल किया था और काफी सारे पेपर्स क्लियर किए। सर ये टेरर स्ट्राइक की जो आप बात कर रहे हैं 26 के आसपास का, ये उससे पहले बाद में कुछ इस तरीके की बात? ऐसी कोई बात अभी हम आपको नहीं कमिट कर सकते कि जो जिसके बारे में अभी हम श्योर ना हो। मैंने आपसे फिर कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत शुरुआती दौर में। इससे ज्यादा अभी आपसे शेयर कर पाना इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, अभी ये सारी चीज इन्वेस्टिगेशन में चल रही है। इसमें जो ख्वाजा मोइनुद्दीन है जैसा मैंने कहा हाईली रेडिकलाइज्ड है, पहले भी ये अरेस्ट भी हो चुका है आईएस रिलेटेड ऑफेंसेस में, और ये बाकी दो जो है सैयद नवाज जो है ये भी अरेस्ट हो चुका है, अगेन रेडिकलाइज्ड अटैक्स इसने किए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसने सैयद नवाज जो है इसने 2 हिंदू लीडर्स पर अटैक किया था, सुरेश कुमार पर और एक गांधी पर, गांधी के बच गए थे, सुरेश कुमार जी की डेथ हो गई थी। गांधी जी का पूरा नाम मैं आपसे शेयर कर लूंगा। सर आज के घटनाक्रम पूरा बता दीजिए, सुबह से कितने बजे इन्फॉर्मेशन मिली, फिर देखिए आपसे मैंने फिर आपसे कहा कि जो शेयर करने लायक इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपसे कहा अर्ली मॉर्निंग आवर्स में वजीराबाद में इनसे एक एक्सचेंज ऑफ फायर बेसिस पे पकड़े गए, ये पैदल थे जी। सर यूपी में कहाँ प्लानिंग कर रहे थे सर? मैंने आपसे आप वही क्वेश्चन फिर से कर रहे हैं। नेपाल से कब आए थे ये बता दीजिए। ये करीबन 12-13 दिसंबर के आसपास जो है निकले हैं, तमिलनाडु से एब्सकॉन्ड किए हैं, उसके कुछ दिनों बाद ये नेपाल चले गए थे। जो अंदाज लग रहा है वो ये कि ये 15-20 दिन नेपाल में रहे हैं, उसके बाद का इनका मूवमेंट हम वेरीफाई कर रहे हैं। 12-13 दिसंबर को तमिलनाडु से ये एब्सकॉन्ड किए हैं। इनमें से जो ख्वाजा मोइनुद्दीन और अब्दुल समद हैं कुडलूर का रहने वाला है, सैयद नवाज जो है ये कन्याकुमारी का रहने वाला है। ये 12-13 के आसपास एब्सकॉन्ड किए, उसके बाद ये वहां से निकल के बेंगलोर आए हैं, और उसके बाद से फिर ये नेपाल निकल गए हैं। बाकी सारे डिटेल्स इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, हम एक बार वेरीफाई कर लें इनका वर्जन फिर आपसे शेयर कर देंगे। मैंने आपसे कहा कि अभी तक ऐसा कोई हमारे पास में इन्फॉर्मेशन इनकी इंट्रोगेशन से नहीं आई है, ऐसी कोई बातचीत नहीं आई है जिससे मैं आपसे कहूं कि इनका इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना था, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास जी। सर आपने कहा कि मॉर्निंग में ये पैदल जा रहे थे, तो पैदल का मतलब तो ये हुआ कि दे वुड बी नियर टू देयर डेस्टिनेशन को ही पैदल, ये किसी से मिलने आए थे? मैंने आपसे कहा वजीराबाद में जहाँ हुआ वहाँ ये किसी कॉन्टेक्ट से उसके पास में मिलने आने वाले थे। सर तमिलनाडु से जब ये भागे 12-13 दिसंबर का क्या इंसिडेंट था जो वहाँ से भागे? देखिए ये कंडीशनल बेल पे थे कोर्ट से, और कंडीशनल बेल पे ये इसी साल छूटे हैं फरवरी में, अलग अलग डेट्स पे छूटे हैं, और कंडीशनल बेल के बाद ये वहां से बजाय ट्रायल अटेंड करने के या जो इनके बेल की कंडीशंस थी वो वायलेट करके
ये इंडिया से निकल गए। जेल में क्यों थे, मतलब वो क्या केस था? मैंने आपसे कहा वो सुरेश कुमार जो हिंदू मनानी लीडर थे उनके मर्डर केस में अंदर थे। सुरेश कुमार जी सर जो वेपन्स मिले हैं उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? मैंने कहा 9mm की पिस्टल्स हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि सोर्स और कहां से इनको मिली है। अच्छा सर, यूरोपीय कंट्री से आ जाता है या किसी मुस्लिम कंट्री से? अभी हमारे पास में हमें आइडिया नहीं है कि इनका फॉरेन बेस्ड हैंडलर जो है वो कहां का है। दिल्ली में कौन इनकी मदद कर रहा था? सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के रिम्स में पड़ रही, मैं आपसे एप्रोप्रिएट स्टेज पे शेयर कर रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन के बाद तो पता ही नहीं चलता फिर कहां गया है। नहीं ऐसा नहीं, चार्जशीट आपको पता चलती है, इन्वेस्टिगेशन बस उस वक्त हो जाती है। आज आप इन आतंकियों के चक्कर में हम जेल वाले सर इनके गिरफ्तार किए हैं तीन आतंकी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे डीसीपी साहब स्पेशल सेल पुलिस दिल्ली पुलिस की, तीन आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। काफी दिनों से तलाश थी, अब्दुल सैयद और ख्वाजा मोइनुद्दीन गिरफ्तार किए गए हैं। ये आतंकी हैं, विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे तीनों आतंकी। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं।